बहुत इंटरेस्टिंग है काजोल और अजय की लव स्टोरी। घर में ही रचाई थी गुपचुप शादी। नमस्कार। बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन और उनकी पत्नी व एक्ट्रेस काजोल की लव स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 5 अगस्त 1974 को जन्मी काजोल के बर्थडे पर हम आपको उनकी लव स्टोरी के बारे में बताने वाले हैं। काजोल और अजय की शादी को 19 साल हो चुके हैं, मगर इन दोनों का रिश्ता और भी पुराना है। इन दोनों की जोड़ी को रोज बनते बिगड़ते रिश्तों वाली फिल्मी दुनिया में एक मिसाल के तौर पर गिना जाता है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोगों को ये बात शायद ही मालूम होगी कि जब इन दोनों से शादी की थी तब काजोल अपने करियर में बुलंदियां छू रही थी, जबकि अजय उतने मशहूर नहीं हुए थे। एक न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में काजोल ने खुलासा किया कि उन्होंने क्यों अजय से शादी की और क्यों वो मानती कि उस वक्त अजय से शादी करने का फैसला सही था। काजोल और अजय ने 1999 में शादी की थी और उनके 2 बच्चे भी हैं। अजय और काजोल की बेटी का नाम नाइसा जबकि बेटे का नाम युग है। उस समय ये फैसला मेरे लिए बिल्कुल सही था। मैं लगभग 8.5 या 9 सालों से लगातार काम कर रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि अब काम से थोड़ी फुर्सत ली जाए और इससे कुछ समय के लिए किनारे रखा जाए। अजय और काजोल दोनों पहली बार एक फिल्म गुंडा राज के सेट पर मिले थे। तब अजय बहुत रिजर्व रहते थे, इसलिए लोग उन्हें घमंडी समझ लेते थे, लेकिन काजोल से उनकी अच्छी बात होने लगी, मुलाकात बढ़ने लगी, साथ में ज्यादा समय गुजरने लगा। इसके बाद दोनों ने तय किया कि उन्हें शादी कर लेनी चाहिए। अजय ने यह भी बताया कि उनकी शादी उनके घर के छत पर हुई थी। वो बेडरूम से निकलकर छत पर गए, शादी की ओर से बेडरूम में आ गए। चीजें इतनी सिंपल तरीके से हुई। जानकारी के लिए बता दें कि काजोल ने जब अपनी पहली फिल्म में बेखुदी साइन की तब वह 16 साल की थी और स्कूल की पढ़ाई कर रही थी। उन्होंने फिल्मों में करियर बनाने के लिए स्कूल छोड़ दिया। काजोल फिल्मी परिवार से है। उनके पिता सोमू मुखर्जी निर्माता निर्देशक रहे हैं। सोमू के अन्य भाई भी फिल्मों से जुड़े हैं। उनकी माँ तनुजा, मौसी नूतन, नानी शोभना समर्थ और पर नानी रतन भाई प्रसिद्ध एक्ट्रेस रही हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।